दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विनय नागर और मेरे साथ है गगन नागर, ये मेरे छोटे भाई। तो आज हम आपको बताएंगे कि होममेड ट्राइपॉड कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, ये इसका छोटा वर्जन है, हम आपको इसका बड़ा वर्जन बना के बताएंगे। तो ट्राइपॉड कैसे बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा है। इसमें बैलेंस मतलब बहुत ही, सबसे पहले हम आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हम तीन लकड़ियाँ ले लेंगे कुछ सेम साइज की और एकदम स्ट्रेट। हम इनको इस टाइप से करके कुछ यहाँ पे इनको बांध देना है हमें। तो या आप टेप का यूज़ कर सकते हैं, तार का यूज़ कर सकते हैं, बट आप इनको बांध लीजिए। तो हमने यूज़ लिया है तार का, यहाँ पर मेरे दोस्त इसको बांध रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बन चुका है, एकदम फर्स्ट क्लास तय हो चुका है। अभी बिल्कुल स्टेबल रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा ट्राइपॉड तैयार हो चुका है, इसका बेस तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पर आपको इसके लिए पहले एक ऐसी बोतल लेनी पड़ेगी जो थोड़ी बड़ी हो और उसकी कैप खोल लेनी चाहिए। अब आप इसको साइड में रखिए और यहाँ पर देखिए इसको ऐसे फिट करना है हमको, ऐसे। और यहाँ पर इसमें छेद कर देना है, और यहाँ हमें इसमें छेद कर देना है और इसको एकदम बांध देना है। और जो बचा हुआ हिस्सा है ये है, इसको यहाँ से कट कर लेना है कुछ इस जगह से। तो हम कट कर लेते हैं इसको, देखिए इसको कुछ इस तरह से हम कट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको यहाँ से कट कर लिया, कुछ इस तरह से इसको कट कर लिया जाएगा। जैसे कि हमने जो भी हमारी बोतल होगी या जो भी आपने स्प्राइट वगैरह जिस भी बोतल ली होगी उसका ये वाला पोर्शन हमें यहाँ पे रखना है और ये वाले पोर्शन को ऐसे करके फ्राई कर देना है। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें छेद होना चाहिए कुछ इस प्रकार का, देखा। ये देखिए, अब एकदम इसको आप या तो टेप से या आपके गम ग्लू जिस हिसाब से भी आप इसको बांधना चाहते हैं इसको यहाँ पे एकदम चिपका दीजिए। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल टेप से एकदम टाइट कर दिया है, अभी कहीं नहीं जाएगा। इसका आप केप खोल भी सकते हैं, यहाँ पे जो छेद है वो आ आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम आ रहा है। हाँ तो गाइस आप कुछ इस तरीके से इसको काट लेना है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका फ़ोन स्टेबल हो जाएगा। अब आपको आपका फ़ोन को पोर्ट्रेट करके एकदम यहाँ पे कुछ इस तरह से छेद करने हैं। आप पहले निशान कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे और यहाँ पे कर लिया है, और इसको जब आप आड़ा रखोगे अपने फ़ोन को तो वहाँ पे भी आप इसको ऐसे देख लीजिए, आपका फ़ोन ऐसे करके इस पर ऐसे रखा है मेरा। ठीक है, तो हम इसमें छेद कर लेते हैं। तो गाइज आप देखिए हमने कुछ इस प्रकार से इसमें होल्स किए, यहाँ पे आपने स्टार्ट बटन देखा तो हम इसे यहाँ पे इतना काट लीजिए और यहाँ पे सपोर्ट के लिए इसको रहने दीजिए, और एक छेद यहाँ पे, एक होल यहाँ पे, एक होल और एक होल यहाँ पे, ताकि हम इसको बांध सकें ताकि स्टेबल रहे। हाँ तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कहा था इसको एकदम ऐसे अच्छे से टाई कर देना है, और यहाँ पे दो पोर्शन यहाँ पे टाई कर देना है, और ये देखिए यहाँ पे छेद हो चुका है। और पीछे एक एडजस्टेबल होल कर दीजिए ताकि ये एक आप वायर या कुछ भी स्क्रू वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं ताकि आप इसको एडजस्ट कर सकें। ये देखिए इसको एकदम एडजस्ट, आप अब अपना फ़ोन या फिर आप पोर्ट्रेट ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और देखिए सेम कंप्लीट हो चुका है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। आई होप गाइज आपको ये सब अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।